शीशे कुत्ता बूथी वेखे उन्हें कि बूथी नजर आनी ढिले पै गए जी। बोलो सीधी गल ने, अज वादा करो कि असी जदों भी कोई महल च पूछू ना आ फलाना बंदा किस तरह का, उन्हें कह भाई ये वर्गा पूरे महल च नहीं। मकान विकन लगे तो की कहना, सुनिया जी मकान विकन लगे किसी का, उन्होंने कहना यार मैनू दे दे। वो कहेगा भाई मैं लख का बेचना, उन्होंने कहा भाई मैं 80,000 का लैना है, कहना नहीं भाई मेरा लख का, उन्हें कहा भाई तेरा 1,25,000 का विके। पर साडा मुसलमान की आंदा है जे मैनू 80 का नहीं ना दिता हूँ वेच के विखा। अच्छा जी गाहक आया दूसरा, हाँ भी किन्ने दा लख दा जी। वो नाल दे नूं पुछदा भी है मकान का कोई रौला तो नहीं, आंदा बड़ा वड्डा रौला है कि इहदे च जिन पूरती। वह बेचारे का लख का मकान अगले 25,000 का भी नहीं लैंदे, इहदी एक लूटी तो मुसलमान का 75,000 का नुकसान हो गया। किन्ने दा? मैनू कलमा पढ़ के दसो नबी पर मैं मुसलमान होए जिहदी जबान ते हाथ तो दूसरा मुसलमान महफूज है। तुसी एक गल मेरी समझी नहीं सी, मैं तुहानू कहा सी 1.5 अरब मुसलमान है ते असल मुसलमान उहदे चों सिर्फ करोड़ भी नहीं, कहा सी कि नहीं? तो हुण मैं जिहड़ी अछानी लाई है तुसी जरा दसो भी किहदी जबान तो मुसलमान महफूज है, किहदे हाथ तो महफूज है दसो ना। ऐस दुकान तो सौदा लैके निकलो तो दूजे दुकान तो आ जाओ, वह भी मुसलमान तो भी उन्होंने कही ना भी किन्ने का लिया आई, भी 200 का, तू तो ठगीच गया तेन तो उन्हें गंद देता है। बोलो असी मुसलमान मुसलमान दे सके नहीं तो फिर मुसलमान किवें होए? नासर मदनी रोज इस्लाह मुआशरा ते गुफ्तगू करता है, ओदी वजह है मैं तानू एक एक गल नखेड़ के सुनाउना है। जो किसी नू शीशा विखाइए ना तो शीशा बोलता भी नहीं तो शीशा नुक्स भी दिखाता है, शीशा किसी नू दसदा भी नहीं, शीशा ओदी बूथी उन्हूं ही विखाउंदा है, जो नवा आवे फिर उन्हूं विखाउंदा है, ये नहीं दसदा पिछला इंज दा ही। ते असी मसीते भी बई नवा मौलवी आ जाए ना, मौलवी पुछे ना भी फलाओ बई फलाने को ना पवी ए को बची दूजा आंदा वो तो बची, जे तो हो मौलवी नेक वह आंदा या अल्लाह मैनू दोवां तो बचा, तो जे हो मौलवी उन्हां वर्गा फरेकना रल जाता। मौलवी नू दोवां नाल नहीं रलना चाहीदा, ये फितरत है। मां मस्जिद है इत्थे बैठा ऐ मसले ते, ऐ तुसीं सारे अगे बैठे, मौलवी अब्दुरहमान साहब जिहदे नाल बह के गप्पां मारनगे ना उन्दे दुश्मन समझणगे मौलवी भी उहदे नाल दा, भावें उह अपणियां ही करदा होवे। इहदा मतलब है फितरत है बंदे दी कि बंदा दुश्मन दे दुश्मन को बैठा होवे तो उहने की समझना ये भी मेरा दुश्मन। इमाम मस्जिद नूं चाहीदा, मैं मौलवियां दी भी सलाह करना है ना कि इमाम मस्जिद नूं भी चाहीदा है नमाज पढ़ाए तो हुजरे च बह जाए, हुजरे च उठे तो मसीते आ जाए, मसीतों उठे तो सहुरे चले जाए, सहुरे उठे पेके चले जाए, पेक्यों उठे सांडू को चले जाए, सांडू को उठे तो मसीते आ जाए। यही यदि रिश्तेदारी होनी चाहिए, नमाजियों की दुकान पर बह के बोतल नहीं पीनी चाहिए, जे पी ली तो समझ दिन गिने गए। जो मीए हुजरे च बहते सी ना उदों लोग दम करा हुजरे च आते, इज्जत करते, मियाँ गली चो लंघता सी, लोग ताश से कपड़ा पा देंगे, हुक्का परा कर देंगे, रेडियो बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, मियाँ की इन्नी इज्जत सी। जो मियाँ इन्ह दुकाना तो बहन लग पाया हूँ आते ने आ जाओ तुम भी वारी ला लो। हाँ जी जितने बैठे मेरे को तजर्बे दल्ला लिया सब लो, जेड़ा इमाम मस्जिद अज भी मस्जिद च डेरा रखेगा ना अल्लाह की कसमें सारा पिंड उहदी इज्जत करेगा, जिहड़ा फट्टे ते डेरा लाएगा किसी मुक्तदी दे कोल जाके महम च या कपड़े वाली दुकान ते एक दिन दो दिन तीन दिन लोग आखणगे जिहो जिहा असीं उहो जिहा ये छड्डो परम। हज़रत इमाम मालक ने 40 साल मसल्ला रसूल ते इमामत की, किन्ने साल? उच्ची बोलो किन्ने साल? 40 साल। ते 40 साल च गवर्नर आप दे दरवाजे नूं खड़कान लग्या, डरदा सी वालीए मदीना किते इमाम झिड़की ना दवे। ऐसी इमामां दी शान, उन्हां दे जरिए साड तक दीन पहुंचिया। इमाम मालक 40 साल मदीने च रहे ते गवर्नर दे बूहे ते नहीं गए।
मैं गया ना अफसर कोल भी वड्या कोल भी, मैं उत्थे ओही तकरीर करना जिहड़ियां उन्हां च खामियां ओही बयान करना, तारीफ नहीं करदा हुंदा। हाँ मैं जजां नूं अज खिताब कीता, मेरे चैनल ते वेख लिया जे लामा नासर मदनी ऑफिशियल चैनल है और लामा नासर मदनी ऑफिशियल फेसबुक ते पेज जाके कढ के वेख लो, मैं वकीलां ते जजां ते लोकां दीआं ओही गल्लां कीतीआं जिहड़ियां बुराईआं पाई जांदीआं। नहीं तो मैं वेख्या मौलवी जिहदे कोल जांदे ओहदीआं तारीफां शुरू कर दिंदे भी अगे विगड़े ने उन्हें होर वगाड़ो। सच्ची गल तुसी मेरे को आए हो, पुत बह जा हूँ तू किधर चलना है, बह जा मेरा चन, बह जा जे पेशाब आया फिर चले जा, बह जा मेरा चन मेरी माँ। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। पुत्र मैं तो पालिश कर दिया है, कसमें मैं पालिश कर आया है, मैं सियाँ लाने आया है, अल्लाह की कसम उठाना है, मैं डिस्कं फेरन दिया है, रूटावेटर चला रहा है, रहमत का सुहागा उन्हें फेरना है। मेरा तो काम है जमीन तैयार करना, मेरा तो काम है बंजर जमीन नू तिल्ला तुल्ला पुट के ते वट्टा ते रख के ते अग ला दा, विच सफाई वाली जमीन होवे ते रहमत दा सुहागा फेर दवे ते अल्लाह तेरे पुजे उगा देवेगा। एक घंटा मैं ताड़ी मरम्मत चलाता है ताकि तुसी सीधे हो जाओ। मेरी तो दाड़ भी नहीं गिली हुई, मैं तो सिर्फ तुहानू वेखन दिया है कि कित्थे कित्थे नुक्से, तो मैं थोड़ा जहा रेक मार मार दा ते जंग जुंग उतरे ते रोगन अरश वाला कर देगा। वो अपनी रहमत दा रोगन अरश वाला कर दे। अल्लाह की कसम किसी पिंड च डाकू वड़िया ते मौलना साहब लोग मगर लग पे, उची बोलो लोग मगर लग पे, ते लोगों ने वेख्या भी डाकू नहीं तवज्जो भी बचे, उन्हें वेख्या भी मस्जिद की कंध छोटी है, बोलो तो उन्हें मसीत से छाल मार दी कंध टपके, तो वुजू भी ना किया तो जाके अल्लाह अकबर तो क्याम दे खलो गया, तो लोग भी मगर पहुँच गए, तो जेडे वेले कंध टपके अंदर बड़े तो एक कहता नहीं यार यही चोर है, दूजा कहता नहीं सूफी होनी तज्जद पढ़ रहे हैं उत्थे बाहर है कितने चोर चलीए। जो कंध टपके पिंड वाले बहर होए ना तो सूफी उन्हें रुकू भी ना किया, तो सीधे सहीदे डिग पे कहते वाह बचाने वाले तेनू मना भी ना आइए तो बचा लेना। दिलों भी नहीं आया तेनू मना भी नहीं आया ते बिना रकू तो ही मना लिया ही, तो जे रकू च होके आता बिना वजू तो ही बचा लिया ही, तो जे जौक ना आता रब आंदा बेअमल होना होर गल है ते जौक वाला होना ਉਹਦਾ ਜ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਬੋਲੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਜ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਬੂਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮੌਲਵੀ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਖੀ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਲਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੋਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪੇਡਾ ਸੱਸੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੱਤੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਖਸੀਆ ਬਹੁ ਰਬੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी कोई नारा मारे तो जिंदाबाद का लफज कवो ताकि पूरी दुनिया को पता लगे इन्हों के नाम मिटाने वाले मिट गए, ये अज भी जिंदाबाद है। जिंदाबाद कह दिया करो सारे, अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए। जिंदाबाद क्या करो, और जितने तुसी बैठे लफज बड़ा कीमती है, मैं तुहानू गल सुन बेटा नीचे बैठ के गुफ्तगू सुन बैठ जाओ। मैं जिथों गल सुनाई सी ना हिरकल बादशाह दे दरबार च, इतों गल चली सी ना, वो चाचा गया अबू सुफियान, कहन लगा मक्के च नवां दीन आया है। इतों गल चली सी ना, मक्के च एक नवां दीन आया ते नवां दीन लेके आने वाला आया है। वो आंदा एक नू मन्नो, कहां जी कारी जबैर साहब इतों गल चली सी ना भी एक नू उच्ची बोलो एक नू मन्नो। कहंदे ने अच्छा, तो कहंदे ने क्यों आया, वेखो साडी कौम कोल किन्ना है पैसा है, कदी दीन ते खर्च नहीं किया, किन्ना जान है असीं खर्च नहीं किया, माल खर्च नहीं। मैं तबलीगी जमात की पता कि इज्जत करना, रस्ते च खलोते हूँ मैं करोड़ की गड्डी तो उतर के ना तो उन्होंने बैग फट के रक्शे च रख देना, फिर गड्डी तुर पैना हूं। मैनू राज बंदे पुछते ने भी आ उतर के तो इन्हों का बैग फट के रक्शे च रखता जो खैर। मैं क्या चलिया ये बैग तो रखता क्या मतलब पहाड़ बन के मिलना कि मेरे का पहाड़ चुक के तो रखिया सी ना वो फुफी को नहीं चलो तो मुहम्मद का दीन बयान कर चलो। कसमे एक बैग फड़ के रख दिया करो रक्शे च, नाले इकराम हो जाएगा, नाले नुसरत हो जाएगी, तो नाले अल्लाह का दीन जिथे जिथे तक जाएगा तू उस शामिल हो जाएगा। कसमे मैं तो इस वजह तो आ जिथे भी कोई मैनु मिले ना जमात तो मैं अपनी गड्डी चीज़ा रखी होंगे छापर कढ़ के उन्होंने फड़ा देना। वो कहते जी क्यों, मैं क्या तो